आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आज मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा चंबल जोन आईजी मनोज शर्मा, डीआईजी राजेश हिंगणकर, कलेक्टर संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य की मौजूदगी में दतिया पुलिस लाइन अस्पताल में आधुनिक मेडिकल सुविधाओं से युक्त पुलिस कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन से युक्त इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर आदि सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। कोरोना वायरस की द्वितीय लहर में कई जिलों में ऑक्सीजन बेड की कमी दृष्टिगत हुई थी और भविष्य में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका भी व्यक्त की गई है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए पुलिसकर्मियों और उनके परिवार को आधुनिक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस कोविड केयर सेंटर को प्रारंभ किया गया है। रक्षित निरीक्षक रविकांत शुक्ला, सूबेदार दीपक साहू की टीम ने कम समय में सराहनीय कार्य किया। पुलिस अधीक्षक दतिया श्री अमन सिंह राठौर के नेतृत्व में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमल सिंह मौर्य साहब के मार्गदर्शन में हमने कोविड केयर की स्थापना की है, जिसमें हमारी पूरी टीम ने, जिसमें सूबेदार दीपक साहू भी शामिल थे और एक पूरी टीम लगी रही है। पिछले 5-7 दिन से लगातार सिर्फ दिन और रात इसी में लगे हुए थे। जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाए ताकि जो जवान हैं पुलिस के और उनके परिवार हैं उनको जल्दी से जल्दी इसमें सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। इसमें हमने 10 ऑक्सीजन युक्त बेडों का निर्माण कराया है। इसमें सभी पर लगातार सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था कराई गई है, जिसमें निर्बाध रूप से ऑक्सीजन सप्लाई होती रहेगी और इसमें अलार्म सिस्टम भी लगाया हुआ है। जैसे भी किसी भी उसमें सिलेंडर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो तत्काल अलार्म के थ्रू पता चल जाएगा कि उस सिस्टम में ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो तत्काल सिलेंडर चेंज भी कर दिया जाएगा। हमने एसी की व्यवस्था कराई हुई है, फ्रिज है और उनके मनोरंजन के लिए टीवी भी लगाया हुआ है।